कोतवाली पुलिस ने चोरी करने वाले चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर चार अभियुक्तों को पुराना एलआईयू ऑफिस लाल डिगी पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक देशी तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक चाकू, दो चाबी का गुच्छा, एक टार्च, एक लोहे की सरसी तथा चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण एक सबरी बरामद किया गया है, जिनकी पहचान इरफान पुत्र शमसुद्दीन निवासी सदर बाजार मजार के पीछे थाना कैंट जनपद वाराणसी, दूसरा सुमित कुमार डोम पुत्र ओम प्रकाश निवासी सदर बाजार मजार के पीछे थाना कैंट जनपद वाराणसी, तीसरा मगरू डोम उर्फ शनी पुत्र रामू डोम निवासी डोमखाना निकट लालडिगी पार्क हावड़ बंधा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर, चौथा गोलू डोम पुत्र राजेंद्र डोम निवासी सदर बाजार मजार के पीछे थाना कैंट जनपद वाराणसी के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि चारों अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कोतवाली थाना प्रभारी कन्या सिंह सागर, उप निरीक्षक विनय कुमार सिंह, आशीष कुमार यादव, शेर बहादुर यादव, कांस्टेबल अशोक शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ठीक चेकिंग के दौरान जो है हम लोगों ने चार लोग पकड़े हैं। इनके पास से हमें एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर, दो अदद जिंदा कारतूस 12 बोर, एक अदद चाकू चोरी करने में प्रयुक्त, एक अदद सबरी, दो अदद चाबी का गुच्छा और एक अदद टॉर्च, एक अदद लोहे की सरसी ये बरामद की गई है। ये चार लोग हैं, इरफान, सुमित कुमार, मगरू और गोलू डोम। इन लोगों के पास से ये सारी चीज़ें बरामद की गई हैं और इन पर मुकदमा अपराध संख्या 2/22, 3/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, 4/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया जाए और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इसमें ये जो गोलू डोम है इस पर 8 मुकदमे हैं। ये मुख्यतः बनारस का रहने वाला है और यहाँ पे आगे घटनाएं कारित करता है और इन लोगों की प्लानिंग थी कि आगामी जो समय है जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी थोड़ी शहर में, तो ये लोग अपने घटनाएं कारित करेंगे। और इसके साथ दो लोग और थे जो बनारस से आए थे, इसके तक एक व्यक्ति जो है वो यहीं का है और वही उनको बुला के लाया था, तो इन लोगों की प्लानिंग चल रही थी, तो ये सारा सामान ये लोग लेके आए थे और घटनाओं कारित करने की प्लानिंग। इसमें नाबालिग कोई नाबालिग नहीं है। देखिए, ये जो गोलू डोम है इस पर GRP में मुकदमे हैं, GRP बनारस के काफ़ी मुकदमे हैं इसमें और कई तरह के मुकदमे हैं, जैसे इसमें चोरी का भी मुकदमा है उसमें और इस पर गैंगस्टर भी लगा हुआ है GRP से, बनारस से, तो इस पर काफ़ी सारे मुकदमे हैं। ये लोग वैसे तो ये बता रहे थे कि लोग अलग अलग कार्य करते थे, जैसे कोई पेंट करने का कार्य करता था, तो पर इनकी प्लानिंग गड्डीबाजी, टप्पेबाजी, चोरी, इस तरह की घटनाएं कारित करने की इनकी प्लानिंग थी, इसलिए ये लोग आए थे यहाँ पर।